आदाब सत श्री अकाल, मैं राजकुमार इस वक्त हूँ ग्रेटर नोएडा के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे, जो कि सन गार्नर एनर्जीज का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और सोलर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु जो प्रोडक्शन हो रहा है सन गार्नर एनर्जी से, जो ऑफग्रिड पावर प्लांट का सबसे मेन इक्विपमेंट है जो सोलर इन्वर्टर, और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, वो पूरी प्रोडक्शन लाइन को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इस वक्त मैं इस प्लांट के अंदर हूँ, जो कि आप ये प्रोडक्शन लाइन देख पा रहे हैं, जिसमें तरह तरह के अलग अलग इक्विपमेंट के रेटिंग के हिसाब से इन्वर्टर्स बन रहे हैं, और जिसमें आप देखेंगे MPPT इन्वर्टर्स है, PWM इन्वर्टर्स है, नॉन सोलर इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है। तो सोलर ऑप्टिमाइजर अपने टेक्नोलॉजी से खास होती है, तो इस वक्त मैं बात करूँगा क्वालिटी इंजीनियर से, जो कि ये बताएंगे आपको कि ये फील्ड लाइन कैसे वर्क हो रही है और किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें मुझे लगता है प्रोडक्टिंग एरिया है, इसकी बेहतर जानकारी के लिए मैं अरविंद सर से बात करूंगा। सोलर पावर प्लांट की ये इंडस्ट्री है, मार्केट है, उस मार्केट में हम जाने के लिए सर से मैं पूछूंगा कि सर आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो किस तरह से गुजर रही है, किस तरह से आप टेस्टिंग कर रहे हैं बताएंगे सर, सर क्या प्रोसेस आप अपना रहे हैं वो हमें बताएंगे। कि जो ये सिस्टम है यहाँ पे सारी जो छोटी एसेसरीज हैं वो यहाँ पे लगाई जाती हैं। ये माउंटिंग है, मतलब माउंटिंग का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कैबिनेट आता है, कैबिनेट के बाद यहाँ पे टीवी लगती है, MCV यहाँ पे लगाई जाती है, उसके बाद में ये आगे जो है यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसफार्मर लगने के बाद ये आगे ऐसे चलता जा रहा है आगे यहाँ पे, मतलब कार्ड माउंटिंग वगैरह यहाँ पे हो जाता है, कार्ड माउंटिंग कर रहे हैं ये, ऐसे कार्ड माउंटिंग हो रही है। कार्ड माउंटिंग होने के बाद ये प्रोसेस हर ऐसे सीरीज को हम बनाते चले जाते हैं, ठीक है। ये आप ये क्या है, एक तरह से सिस्टम एकदम तैयार है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो नट वगैरह जो एक बार वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब सारे ओके है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, ये आगे चला जाएगा हमारा टेस्टिंग के लिए। ओके, अब यहाँ से हम आप टेस्टिंग के, हाँ, वेरीफाई होने के बाद आप टेस्टिंग प्रोसेस में आ जाते हैं, चला जाएगा। फिर आगे यहाँ पे आ जाता है हमारा ये टेस्टिंग सेटअप, जो ये हमारा यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, सिस्टम है ये, हर पैरामीटर से गुजारा जाता है। मेन चीज़ है कि हमारे यहाँ पे ये सारे मीटर्स लगे हुए हैं, सारे हमारे साइन वेव क्या उसके सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारा यहाँ पे देखा जा रहा है। ये हर टेस्टिंग का हर प्रोसेस से गुजारा जाता है, आप सारी प्रोटेक्शन भी वेरीफाई करते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में जा रहा है, हाई टेम्परेचर में जा रहा है। हम सबसे अच्छी बात है कि हमने एक सिस्टम यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, एक सिस्टम ये ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो हमने इसको कुछ टाइम तक ये भी देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है सही तरीके से वर्क कर रहा है, कि कुछ लोड फुल लोड चलाने के बाद किस तरह का बयान है, तो ऐसा नहीं कि इसको हम पूरी तरीके से फुल लोड डाल के पूरी तरीके से टेस्ट करते हैं। और हमारे पास सेटअप काफ़ी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ें छोड़ते नहीं, क्योंकि हम देखो यहाँ पे साइन वेव आ रही है, हम इन्वर्टर की आउटपुट प्योर साइन वेव दिखाई जा रही है, बिल्कुल आ रही है। यहाँ पे जो है PWM आ रहा है सिग्नल, जो वो हम चेक कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ से टेस्ट होकर गुजरता है। यहाँ कम्प्लीटली टेस्ट होने के बाद मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये जो सारे मीटर्स हैं ये हम सारे कैलिब्रेटेड हैं, ये सारे कैलिब्रेटेड मीटर हैं, इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है, और उसी के बाद ही हमने इसको मतलब यहाँ मतलब टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम एक ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं, सिस्टम की हेल्थ को भी देख लेते हैं, और जो इसकी हाई कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है वो सारी चीज़ें इफिशियंसी वगैरह ट्रैक करने के बाद ही हम सिस्टम को फाइनल कर रहे हैं। और सारी चीज़ें हमने सबसे अच्छी है, कोई भी चीज़ हम छोड़ते नहीं है, एसी हाई लो कट सर्च करंट सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो पूरी तरीके से ये टेस्ट होता है। यहाँ पे हमारा पूरा लोड भी है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और इसके अंदर भी हम कुछ लोड लगा के। सर एक मेरा एक टिपिकल क्वेश्चन आपसे ये होगा कि सोलर मार्केट की सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कार्ड प्रोटेक्शन की, क्योंकि आप देख पाएंगे कि किसी भी इन्वर्टर्स में एक कार्ड होता है और दूसरा ट्रांसफार्मर होता है, और जो कि बाद में डस्टी होने के बाद वेदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो कार्ड में डैमेज आ जाते हैं और माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह ख़राब होते हैं, तो उस तरह में कैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या होता है, एक इसमें लेयर चढ़ाते हैं, ट्राइजर की एक लेयर चढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर है या डस्ट है, जो बरसात के दिनों में जो है मॉइस्चर डस्ट आने के कारण क्या होता है, ये ट्रैक जो पिंस हैं उनके बीच ना रेस्ट उनके कंडक्टिविटी बनाने की कोशिश करता है, तो उससे बचने के लिए हम इसको मतलब लैक्रिंग से भी आप इसको पूरा बचा कर रहे हैं, और कार्ड में साइनिंग दिख रही है कि आपने कुछ लैक्रिंग जरूर किया है अच्छे से, और ठीक है सर देखने में तो काफ़ी बढ़िया है, और हमने सारी चीज़ें इसको कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है, और हमने देखा होगा बाकी अदर इन्वर्टर के हिसाब से भी इसके अंदर ना वायरिंग आपको बहुत कम देखने को मिला है,
तो ये सिस्टम की कास्ट भी बढ़ जाती कम हो जाती है और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, लाइफ अच्छा हो जाता है जब हम वायरिंग नहीं रखते हैं, बॉल्स कम से कम होगी। अब इसके बाद हम प्रोसेस के बाद कंप्लीट टेस्टिंग हो जाती है। टेस्टिंग होने के बाद यहाँ पे एक पैकिंग का प्रोसेस है, तो पैक करने के बाद ये यहाँ पे देखो पैक कर रहे हैं और ये रैप में ये पॉलीथीन के अंदर डाल रहे हैं। पॉलीथीन के डालने के बाद इन्होंने ये यहाँ पे जो रखा है ये पूरा कॉटन बॉक्स है, कॉरोगेटेड बॉक्स, इसको बनाया है। और ये देखो इस तरह से ये थर्माकोल लगाया, एक मैनुअल डाला है और मैनुअल हो गया ये, अच्छा ये यूज़र मैनुअल डाला है, ठीक है। और यूज़र मैनुअल के साथ एक ये 24 बोर्ड का सिस्टम है, इसमें एक सिलिका जेल भी डाली है और इस 24 बोर्ड का सिस्टम है तो इसमें एक डीसी लिंक केबल भी डाला हुआ है। अच्छा ये केबल डाला है, केबल डालने के बाद इसको जो है बंद करते हैं, बंद करने के बाद इसके ऊपर से रैप करते हैं। विनीत जी, हमें ये लगता है कि ये जो आपका है ये यही सिस्टम 4 बैटरी वाला सिस्टम है और 3 KVA 48 वोल्ट, 3.5 KVA 48 वोल्ट और 5 KVA 48 वोल्ट, मतलब लुकिंग में सेम ऐसा ही होता है। और देख पाएंगे इसमें कार्ड वायरिंग बिल्कुल कम है। सिस्टम की खासियत सबसे बड़ी चीज़ यही है जो देखने को मिल रहा है मुझे, वो ये है कि वायरिंग बहुत कम है और एक साइड पावर कार्ड और दूसरे साइड सोलार सेक्शन है, MPPT है। और बैक साइड से आप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिस्टम में ये मैनुअल स्विच भी है और सोलार कैविटी कनेक्टर, बैटरी कैविटी कनेक्टर प्लस कलर इंडिकेशन के साथ है जो इंटरनेशनल सेफ्टी गाइड को भी फॉलो करता है। जो रेड इंडिकेशन है वो पॉजिटिव है, ब्लैक नेगेटिव है, रोटरी स्विच है और MCB भी लगे हुए हैं। MCB भी DC MCB लगी हुई है, मतलब यह है कि जो स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है, वो पूरा हो रहा है। तो मेक इन इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लग रहा है जिसमें कोई जब इफेक्ट भी नहीं है कार्ड पे, जो कार्ड मॉइस्चर से ख़राब नहीं होता है, माइक्रो कंट्रोलर की क्वालिटी भी सही लग रही है। तो बाकी विनीत जी आप मुझे बता दीजिए कि इसकी प्रॉपर टेस्टिंग आप कैसे करते हैं, क्या आप फुल लोड अप्लाई कर पाते हैं और लोड अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ, इस पर हम लोड डाल सकते हैं, 100% लोड डाल सकते हैं। इस पर जो है लोड अभी ऑन लोड, सारी चीज़ें इस पर डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं, 94% लोड इस पर अभी चल रहा है। इसको ओवरलोड अगर करेंगे, थोड़ा सा और लोड बढ़ाएंगे, इस पर ओवरलोड का मेरा इंडिकेशन आएगा। मतलब है प्रॉपर लोड टेस्टिंग और इसकी हीट टेम्परेचर टेस्टिंग, हीट टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग से आपको जल जाता है। मतलब है आपका ये जो टेस्टिंग एरिया हुआ ना, इसमें हाई वोल्टेज के जो सिस्टम है वो टेस्ट करते हैं और बाकी सारी ये पिन लाइन पे हमने लो वोल्टेज डोमेस्टिक सिस्टम जो है वो टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। जो सोलर इन्वर्टर का जो मेन पार्ट है, इसमें पावर होती है, जो कैपेसिटी डिजाइन करती है, यहाँ इतने के लिए का है मेन पार्ट ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर सर आप कैसे बनाते हैं? ट्रांसफार्मर जो है हम अपने इनोवास ही बनाते हैं और उसकी भी यहाँ पे हमारी यही कर है। और मैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब कि आप किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं रखते, किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं रखते। सर ऐसा भी ये क्या है, ट्रांसफार्मर में काफ़ी चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं जो हम किसी और उसमें बहुत चीज़ें प्रॉब्लम करने के चांसेज हैं तो वो हम नहीं पा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो सिस्टम देना है मार्केट में वो प्रॉपर रेंज का जाना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं क्वालिटी के हिसाब से देखते हुए। तो ये जो यूनिट है वो हमारी, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो यूनिट है ये हमारे ट्रांसफार्मर यूनिट है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे वाइंडिंग कर रहे हैं, वाइंडिंग कर रहे हैं, वाइंडिंग करने यहाँ पे स्ट्रिप, हम जो वाइंडिंग में भी है क्या हम स्ट्रिप यूज़ करते हैं और ये कुछ लोग क्या है वायर भी यूज़ करते हैं और ये ग्राउंड वायर हम जो यूज़ करते हैं वो प्राइमरी में वो स्ट्रिप यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। हम क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम करते नहीं हैं, हम कस्टमर एंड तक जो भी पहुँचे परफेक्टली चीज़ पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे संजीव ये हमारे ये संजीव है, ये हमारे यहाँ पे वाइंडिंग कर रहे हैं। ये कितने बजे का ट्रांसफार्मर है? ये 1100 बजे का ट्रांसफार्मर है जो ये इसके में वाइंडिंग करना, वाइंडिंग करने के बाद ये इस तरीके से बन जाता है और इस बनने के बाद यहाँ पे कोर भरी जाती है। इसमें ये जो इस टाइम पे भरा हुआ ये कोर भरा हुआ सिस्टम है, इसमें ट्रांसफार्मर जो है कोर भर गई है इसमें, ठीक है। कोर भरने के बाद यहाँ पे क्लैंप लगता है, ये यहाँ पे क्लैंप आ रहा है, ये क्लैंप लगता है। क्लैंप लगने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये टाइट करना है इसको क्लैंप को पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से टाइट करने के बाद होता क्या है इसको वार्निश में डिप किया जाता है
और डिप करने के बाद इसको ओवन में भी सुखाया जाता है। बहुत ज़्यादा हमारा और मार्केट साइड में लगा हुआ है, तो वो प्रोसेस हमारा डिप करने का और जो इसको ओवन में सुखाने का, जो ड्राई करने का जो प्रोसेस है वो हमारा ओवन में होता है। और ओवन हमारा जो है वो मार्केट साइड में लगा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे नेक्स्ट प्रोसेस है। अभी मतलब ये है कि आपने पूरा प्रोडक्शन और ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग खुद के रखते हैं और डिपेंडेंसी कुछ नहीं है, तो इन हाउस प्रोडक्शन सारा चीज़। और हमारा जो कोई भी चीज़ है मेनली क्या है, सबसे इसमें जो कोर है वो काफ़ी अच्छी कोर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और सारी चीज़ें सर देख के भी पता चल गई है कि कोर भी ठीक ठाक है। ये सिस्टम देखो, ओवन ये सिस्टम सूखा हुआ है, ओवन का सूखा हुआ है ये सिस्टम, ये वार्निश भी हो रखा है। देखो कितना देखने में, आप देखोगे कितनी शाइनिंग है और कितना प्यारा सिस्टम, मतलब ट्रांसफार्मर लग रहा है। चलिए सर, ये एक चीज़ तो देखने को मिलता है कि सरगाना मार्केट में बेहतर क्यों है, क्योंकि इनके पास सेल्फ प्रोडक्शन है। आपका जो ओवन है जिसमें सारे ट्रांसफार्मर ऑन ड्राई होते हैं, तो वो ये है, और ये हमारा ओवन है और इसके अंदर जो कुछ ट्रांसफार्मर डाले हुए भी हैं स्टैंड पे। और ये ओवन है, इसमें जो है हम 150 डिग्री तक इसको टेम्परेचर देते हैं 250 घंटे, और उसके बाद इसको फिर निकालते हैं, तो पूरा जो ट्रांसफार्मर है वो पूरे तरीके से ड्राई हो जाता है, जिससे ये अभी गर्म है, थोड़ा सा गर्म है, तो अभी ऐसे नहीं है, तो अभी गर्म है, ये जैसे कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा। ये प्रोसेस हमारा ओवन का है, इसके बाद जो है जब हमारा ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन के सर आपके कितना यूनिट, मतलब आप इससे ओवन से निकल जाता है 330 के आसपास निकालते हैं। तो ये आपके सामने था संगाना एनर्जीज का प्रोडक्शन प्लांट, जो बनाता है अपने सिस्टम को खास, और मार्केट में बहुत सारे सिस्टमों में ये एकमात्र सिस्टम है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इस सिस्टम को लेने के लिए आप दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो आपको नियरेस्ट स्टोर मिल जाता है जहाँ से आप इस सिस्टम को खरीद सकते हैं, दूसरा मिल जाता है आपको कमर्शियल वेबसाइट जो कि www.battery.com, उस वेबसाइट से आप खरीद सकते हो। उसमें आपको एक फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है कि आपको किसी अन्य दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, जैसे कि MC4 कनेक्टर्स के लिए, वायर के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, तो उस पर किट्स भी मिल जाते हैं, तो ये सारे इन्वर्टर्स आप सोलर किट में मिल जाएंगे। सेल्ट्रिक प्रोडक्ट के साथ आपको खास चीज़ मिल जाती है वो कि टोल फ्री नंबर जो आपको करता है कस्टमर सपोर्ट, और आपकी जो भी समस्या समाधान है वो आप टोल फ्री नंबर से कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। बाकी ऑफिशियली ईमेल आईडी भी है, और टोल फ्री नंबर से ही आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो आपको मिल जाता है आपका बेहतर इन्वर्टर जो कि एक इकोनॉमिक कॉस्ट पे मिल जाता है, और पूरे सोलर प्लांट की किट मिल जाती है जो कि आपके घर को मॉडर्न हाउस बना देता है, जिससे फोटोवोल्टिक पावर होती है। तो आप सुने अपना एक बेहतर इन्वर्टर और विजिट करें www.centric.com। और दूसरा एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आपके नियरेस्ट सेंट्रिक स्टोर होगा, जो कि उसी वेबसाइट पे मौजूद होगी आपके नियरेस्ट सेंट्रिक स्टोर, और तो आप ले सकते हैं। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।